प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि पार्टीशन फंक्शन का विभिन्न थर्मोडायनामिक एनर्जी फंक्शन से क्या संबंध है। हम पार्टीशन फंक्शन को पूर्व में देख चुके हैं कि अगर मैं किसी निकाय के लिए पार्टीशन फंक्शन लिख सकती हूँ, समीकरण फलन लिख सकती हूँ, तब मैं इसे किसी भी थर्मोडायनामिक एनर्जी फंक्शन से रिलेट कर सकती हूँ, तब मुझे निकाय की पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब मैं सबसे पहले इसका संबंध निकालने जा रही हूँ निकाय की माध्य ऊर्जा से, और निकाय की माध्य ऊर्जा को हम डिफाइन कर सकते हैं समेशन ओवर आर ई आर पी आर से, जहाँ ER जो है आरत ऊर्जा की एनर्जी है और PR उस ऊर्जा अवस्था में निकाय के रहने की संभावना है, जिसे हमने पूर्व में भी लिखा है कि किस प्रकार लिखेंगे, e^-βER/summation of r e^-βER, जहां पर ये जो नीचे हमने समेशन आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर रखा है, यानी कि सम ओवर ऑल एनर्जी स्टेट्स के लिए जो बोल्ट्जमैन फर्क का गुणक का जो सम है वो पार्टीशन फंक्शन होता है, और यहाँ बीटा को मैं 1/KBT से भी रिप्लेस कर सकती हूँ। अब ये मान मैं यहाँ रख देती हूँ पी आर का जो मुझे मिला है जेड की टर्म्स में, तो मुझे मिल जाता है ई बार का मान 1/z समेशन ओवर आर ई आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर। अब मुझे ये टर्म देखनी है कि समेशन ओवर आर ई आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर क्या है जेड की टर्म्स में, तो मैं ये पाती हूँ कि डेल जेड डेल बीटा का मान मुझे मिलता है माइनस समेशन ओवर आर ई आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर। इसलिए ये टर्म जो मेरे पास है समेशन के अंदर, ये जो टर्म है मेरे पास बन जाती है माइनस डेल जेड डेल बीटा। तो अब मेरे पास ई बार का मान हो जाता है -1/z (δz)δβ, और वेल नोन इसको बीटा की फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/z(δz)δβ डेल डेल बीटा ऑफ ln z होगा, इसलिए ई बार का मान मुझे मिल जाता है -δδβ(ln z). अब यहाँ पर मैं इसको टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने इसको पार्शियल डिफरेंशियल से तोड़ा है, या फिर इधर कह दूं कि मैंने इसको पार्शियल डिफरेंशियल से तोड़ा है, तो ये मुझे मिल जाता है 1/z(δz)δt(δt)δβ। अब यहाँ पर मैंने डेल टी डेल बीटा का मान मैं निकाल सकती हूँ, और जो डेल टी डेल बीटा का मान मुझे मिलता है वो इस रिलेशन से कि मुझे पता है कि बीटा का मान 1/KBT है, तो डेल बीटा डेल टी का मान -1/KBT² हो जाएगा, और यहाँ इसका मैं रिवर्स रख सकती हूँ, और रिवर्स रखूंगी तो मैं इसको गुणा कर दूंगी यहाँ पे, तो -KBT² / z(δz)δt मान मेरे पास बन जाता है। अब ये पुनः ln z ही है, तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि e^KBT² (δδt)ln z मुझे मिल जाता है। अब मैं एक ग्राम मोल की बात करूँ सब्सटेंस की, तो मुझे अच्छे से पता है कि एक ग्राम मोल में अणुओं की संख्या किसी भी निकाय में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, और इस एवोगैड्रो नंबर का मान निकाय के एक ग्राम मोल के लिए तो 6.02 × 10³ होता है, और एक किलोग्राम मोल के लिए अगर मैं काम करती हूँ तो ये मान मैं रखती हूँ 6.023 × 10⁶। अब यहाँ हम किसी भी ग्राम मोल की बात करें या मोल की बात करें सिंपली, तो ये किलोग्राम मोल पर डिपेंड करेगा कि Na का मान क्या है, लेकिन अभी सिंपली हम इसको एक सिंबल Na के रूप में रख रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर के रूप में रख रहे हैं। तो मुझे ई बार टोटल एनर्जी मिल जाती है सब्सटेंस की E = Na e^, यानी कि Na KBT² (δδt)ln z। तो ये हो गया पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में किस प्रकार से हम निकाय के लिए वन मोल के लिए माध्य ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा जो एनर्जी फंक्शन देखने जा रहे हैं वो है एंट्रॉपी, और एंट्रॉपी हम जानते हैं कि निकाय के डिसऑर्डर को व्यक्त करती है, तो इसको समझने के लिए हमने देखा था कि इसका संबंध जो आपके पास निकाय के अभिगम्य ऊर्जा अवस्थाओं से है वो इस प्रकार दिया जाता है कि S = KBln ω(E), यानी कि जो अभिगम्य अवस्थाओं का जो लॉगरिदम है वो एंट्रॉपी को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं अधिकतम अवस्था ऊर्जा अवस्था की बात करूँ, निकाय की साम्यावस्था की बात करूंगी, तो मुझे E = E^ मैंने रखा, एक किसी एक ऊर्जा पे मुझे साम्यावस्था मिलेगी, तो यहाँ पर S = KBln ω(E) हो गया। अब इस ω(E) का मान मुझे देखना है पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में। अब मैं पार्टीशन फंक्शन को मैंने पूर्व में भी डिफाइन किया है कि ये मान हो जाएगा Z(ω(E)·e^-βE^, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी इसको निकाला था। अब यहाँ से इसी को हम यूज करते हुए निकालते हैं ln z का मान, तो ln z का मान हो जाएगा ln ω(E)·, चूंकि इनवर्स फंक्शन है ln इसका एक्सपोनेंशियल का, इसलिए ये बन जाएगा -βE^। अब मैं ln ω(E) को अगर इससे निकालूं तो मुझे मिल जाएगा ln z, यहां से ln z, और इधर अगर मैं इसको ले आऊं तो ये बन जाएगा +βE^। तो अब इस +βE^ को जब मैं यूज करती हूँ तो मुझे मिल जाता है यहां से ln ω(E) का मान मैंने ऊपर रख दिया, और जब मैं इसको ऊपर रख देती हूँ एंट्रोपी फंक्शन में, तो मुझे मान मिल जाता है कि S = KBln z + βE^। अब यहां से मैंने इसको E^ का मान रख दिया,
और ई बार का मान रखने के बाद मुझे ये मिल जाता है कि के बी टी डेल डेल टी ऑफ एल एन जेड प्लस एल एन जेड, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो मेरे पास मान था ई बार का वो था के बी टी स्क्वायर डेल डेल टी ऑफ एल एन जेड। तो मैंने सबसे पहले मान रखा है यहाँ पे, ई वाली टर्म को मैंने चूंकि पहले रख दिया है आपकी बार, तो यानी ओवरऑल मैंने जो मान सब्सटीट्यूशन किया है उसमें मैंने जो सीक्वेंस रखा है वो है ई बार अपॉन टी प्लस के बी एल एन जेड। थोड़ा सा सीक्वेंस उलट दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखें कि आपके पास जो मैंने ई बार का मान रखा था, ई बार का मान होता है के बी टी स्क्वायर डेल डेल टी ऑफ एल एन जेड, तो टी स्क्वायर में से ये टी कट गया और के बी चूंकि दोनों जगह आएगा, इधर भी और इधर भी दोनों टर्म्स में आ रहा है, इसलिए इसको मैंने कॉमन ले लिया। तो मान आ जाता है के बी ब्रैकेट में डी डेल डेल टी ऑफ एल एन जेड प्लस एल एन जेड। तो और एक मोल के लिए अगर हम काम करेंगे तो वापस वही एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा एन ए के बी ब्रैकेट में टी डेल डेल टी ऑफ एल एन जेड प्लस एल एन जेड। अब यहाँ पर एक उदाहरण आपके समझाने के लिए मैं यही ले रही हूँ, क्योंकि यही चीज हम ये पूरे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि निकाय की एंट्रोपी एस इज इक्वल टू माइनस के बी समेशन ओवर आर पी आर एल एन पी आर के द्वारा भी दी जा सकती है, जहां पी आर को हम पहले भी देख चुके हैं कि आरत अवस्था में ऊर्जा के पाए जाने की संभावना है, यानी कि बोल्ट्जमैन फैक्टर है। अब यहां से चूंकि पी आर का मान मुझे मालूम है कि पी आर का मान होता है कि वन अपॉन जेड ई की पावर माइनस बीटा ई आर। अब चूंकि निकाय की माध्य ऊर्जा को मैंने व्यक्त किया था, वो लिखा था समीक्षण ओवर आर ई आर पी आर से, और निकाय की एंट्रोपी अगर मैं देखूं तो वो दी जाएगी, अभी हमने अब जस्ट अभी रिलेशन निकाला है कि निकाली जाएगी आपके पास निकाय की एंट्रोपी लिखी जाएगी के बी एल एन जेड प्लस ई बार अपॉन टी से। यहाँ पर मैंने टी को रिप्लेस कर दिया है वन अपॉन के बी बीटा से, इसलिए ये यहाँ पर बन गया के बी बीटा ऊपर आ गया, के बी बाहर ले लिया है मैंने, और इसलिए ये बन गया एल एन जेड प्लस बीटा ई बार। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि ई बार का मान मैं रख देती हूँ, और ई बार का जब मैं मान रखती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी मेरी के बी एल एन जेड प्लस बीटा समेशन ओवर आर, बीटा यहाँ गुणा हो रहा है, केवल मैंने ई बार का मान रखा है इसलिए समेशन ओवर आर ई आर पी आर यहाँ पे आ जाता है। अब इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो बीटा को पी आर के साथ ले लिया है, बीटा को ई आर के साथ ले लिया है, पी आर मेरे बाहर है, तो यहाँ पर ये जो क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये बन जाएगा समीकरण एक से, जो समीकरण एक था मेरा वो था कि पी आर इज इक्वल टू वन अपॉन जेड ई की पावर माइनस बीटा ई आर, इसलिए ई की पावर माइनस जो बीटा ई आर हो जाएगी वो मेरी पी आर जेड के बराबर हो जाएगी। अब चूंकि मुझे चाहिए एल एन जेड का मान, तो एल एन जेड का एल एन जेड पी आर का मान मैं जब निकालती हूँ तो ये मेरे को मिल जाता है माइनस बीटा ई आर के बराबर, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बीटा यहाँ पर मैं अगर बीटा से गुणा करूंगी तो मुझे ये मान यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। एक बार हम यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पर ये के बी दोबारा नहीं आएगा, यहाँ पर ये बीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर के बी बीटा है, तो के बी मैं बाहर ले चुकी हूँ, तो यहाँ पर के बी ना आकर बीटा आएगा। तो ये जो माइनस बीटा ई आर का मान है, यानी बीटा ई आर का मान, मैं यहाँ पर इसको यहाँ से रख सकती हूँ, और जब मैं ये मान रखती हूँ तो ये मान बन जाएगा के बी एल एन जेड प्लस समीशन ओवर आर पी आर माइनस का एल एन जेड पी आर। तो ये माइनस का एल एन जेड पी आर मैंने यहाँ रख दिया। अब इसको दो टर्म्स में मैं तोड़ सकती हूँ, तो ये दो टर्म्स बाकी टर्म एज इट इज रहेंगी, और ये दो टर्म्स हो जाएंगी माइनस एल एन जेड माइनस एल एन पी आर। अब इसको मैं खोल देती हूँ पूरे को, तो ये बन जाएगा के बी एल एन जेड माइनस समीशन ओवर आर पी आर एल एन जेड माइनस समीशन ओवर आर पी आर एल एन पी आर। अब के बी के बाद जो ब्रैकेट में है ये, इसमें मैंने एल एन जेड को बाहर ले लिया क्योंकि इस पर समीशन नहीं है। अब मैं यहाँ पे इस पर समीशन और आर पी आर निकालूंगी तो ये मेरे को वन वन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कुल प्रायिकताओं का योग हो जाएगा किसी ऊर्जा अवस्था के लिए, तो ऊर्जा अवस्था आर में रहने की संभावना और जितनी भी ऊर्जा अवस्थाएं संभव हैं उसके लिए जब मैं समीशन कर देती हूँ तो मुझे कुल प्रायिकता मिल जाएगी निकाय की किसी ऊर्जा अवस्था की, निकाय की कुल ऊर्जा अवस्थाओं की। तो ये मान जो कुल ऊर्जा मान होगा, क्योंकि निकाय किसी ना किसी ऊर्जा अवस्था में तो होगा ही सही, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुल प्रायिकता का मान वन होगा, तो इसको मैंने यहाँ पे वन रखूंगी तो एल एन जेड माइनस एल एन जेड कट जाएगा, सिर्फ एक यही मान बचेगा। तो एंट्रोपी का मान मेरे पास आ जाएगा के बी समेशन ओवर आर पी आर एल एन पी आर। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए भी आप एंट्रोपी निकाल सकते हैं जेड के टर्म्स में, और जो हमने अपना पहले फॉर्मूला देखा था कि एस इज इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा, उससे भी हम एंट्रोपी का मान निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा कि एंट्रोपी फंक्शन को मैं किस तरह से लिखती हूँ अपने पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में। अब कुछ और एनर्जी फंक्शंस पे हम तेजी से चलते हैं। तो पहला है मेरे पास हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा फलन, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, फ्री हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, और ये लिखी जाती है
ई बार माइनस टी एस से, जहां ई बार माध्य ऊर्जा है, टी निकाय का टेम्परेचर है, एस निकाय की एंट्रोपी है, और एस का मान चूंकि मैं जेड के टर्म्स में अभी अभी मैंने निकाला है तो मैं वो मान यहां रख देती हूं। तो ये वन बन जाएगा ई बार माइनस टी ब्रैकेट के अंदर ई बार अपॉन टी प्लस के बी एल एन जेड। अब इसको मैं खोलती हूं तो ये ई बार और ई बार कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा केवल एफ बार का मान, एफ यानी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का मान मेरे पास आ जाएगा के बी टी एल एन जेड। और एक मोल के लिए अगर मैं निकाल रही हूं तो एवोगाड्रो नंबर से मैंने इस संख्या को गुणा कर दिया है, तो एक मोल की मुझे हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी भी मिल जाएगी। अब अगला एनर्जी फंक्शन है मेरे पास एंथैल्पी, और एंथैल्पी कहलाती है एच इज इक्वल टू ई बार प्लस पी वी। ई बार है आंतरिक ऊर्जा, पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम निकाय के लिए। और आदर्श गैस की अगर मैं बात करती हूँ तो अब यहाँ पर एक्चुअली हम मैं जब आदर्श गैस की बात करने लग गई हूँ तो इसका मतलब जो मेरी एंथैल्पी आएगी वो आदर्श गैस के लिए आएगी। ये रिलेशन मेरा कॉमन है, सबके लिए है। लेकिन अब जो मैं वन पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में निकालने जा रही हूँ वो आदर्श गैस के लिए है। क्यों? क्योंकि आदर्श गैस के लिए हम लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी, जहाँ आर का मान होता है एन ए के बी, इसलिए आर का मान एन ए के बी रख दिया, तो रिलेशन हो गया पी वी इज इक्वल टू एन ए के बी टी। अब इस पी वी को मैं यहाँ पर रिप्लेस करूंगी और लिख दूंगी एन ए के बी टी के बराबर। अब ई बार का मान चुकी मैं निकाल चुकी थी एक मोल के लिए, तो एक मोल के लिए मेरे पास आ जाएगा एन ए के बी टी स्क्वायर डेल डेल टी ऑफ एल एन जेड। इन दोनों टर्म्स में एन ए के बी टी कॉमन है, इसलिए मेरे पास आ जाएगा टी डेल डेल टी ऑफ एल एन जेड प्लस वन। तो ये मेरे पास आदर्श गैस की वन मोल के लिए एंथैल्पी का मान पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में मुझे मिल गया है। अब हम देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का मान। तो गिब्स फ्री एनर्जी का मान जो होता है वो डिफाइन किया गया है ई बार प्लस पी वी माइनस टी एस से, और ई बार प्लस पी वी एंथैल्पी फंक्शन है इसलिए बन गया एच माइनस टी एस। और अब एच और एस दोनों मान मैं पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में निकाल चुकी हूँ इसलिए मैं उसको यहाँ रख देती हूँ। तो ये मान बन जाएगा एन ए के बी टी ब्रैकेट में टी डेल डेल टी ऑफ एल एन जेड प्लस वन माइनस, ये मान अगर आप ध्यान रखें तो मैंने एंथैल्पी का रखा है, और दूसरा मान मैं टी से गुणा करके एस का रख रही हूँ, तो ये मान हो जाएगा एन ए के बी टी ब्रैकेट के अंदर टी डेल डेल टी ऑफ एल एन जेड प्लस एल एन जेड। अब मैं इसको खोल देती हूँ तो ये इसकी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म दोनों एक जैसी हैं, लेकिन एक प्लस की है एक माइनस की है इसलिए निरस्त हो जाएगी। और फर्स्ट टर्म से मुझे मिलेगा एन ए के बी टी, और दूसरी टर्म से मुझे मिलेगा एन ए के बी टी एल एन जेड, तो एन ए के बी टी पुने कॉमन तो वन माइनस एल एन जेड। तो ये मान मुझे मिल गया एक मोल के लिए पुने गिब्स फ्री एनर्जी का। लेकिन यहाँ बात एक बार वापस पुने ध्यान रखनी है, चूंकि मैंने एच के मान जो है वो आदर्श गैस के लिए रखा है तो ये मान भी मेरे पास आदर्श गैस के लिए ही गिब्स फ्री एनर्जी का मिला है मुझे। अब अगला फंक्शन जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और ये लिखी जाती है किस फॉर्म से उसको हम निकालते हैं। और ये फॉर्म होती है कि आपके पास ये मान जो आएगा ये आएगा डेल ई बार डेल टी। अब ये डेल ई बार डेल टी कैसे आया उसको अगर मैं देखूं तो स्पेसिफिक हीट की परिभाषा होती है कि निकाय का एक डिग्री ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा कितनी चाहिए, तब जबकि मैंने नियत आयतन पर काम किया है। ये काम जो ऊष्मा बढ़ाने का किया गया है वो एक नियत आयतन पर किया गया है। और ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से मैं जानती हूँ कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल ई बार प्लस डेल डब्ल्यू होता है, और ये जो किया गया कार्य है इसको मैं पीडीवी की फॉर्म में रखती हूँ। अब चूंकि यहाँ पर मैं नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा की बात कर रही हूँ इसलिए आयतन नियत है, तो ये डीवी का मान जीरो हो जाएगा, यानी डेल क्यू का मान डेल डी बार आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ डेल क्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया, हो गया डेल ई बार डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और एक मोल के लिए मुझे अगर विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है तो मैं इसको एन ए से गुणा कर देती हूँ। अब मुझे ई बार का मान चूंकि मालूम था तो यहाँ पर मैं वापस से एन ए से गुणा करके ई बार का मान रख रही हूँ, तो ये मान मुझे मिल जाएगा अब सी वी का कि डेल डेल टी एन ए के बी टी स्क्वायर डेल डेल टी ऑफ एल एन जेड। अब यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो डिफरेंशियल हो रहा है दो बार टेम्परेचर के साथ, एक फर्स्ट टर्म ये है सेकेंड टर्म ये वाली है। तो फर्स्ट टर्म को मैं पहले डिफरेंशियल करती हूँ, दूसरी टर्म को एज इट इज रखती हूँ, तो मुझे मिल जाता है 2na kbt, क्योंकि टी स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा तो 2t मिलेगा, तो ये मिल जाता है 2na kbt डेल डेल टी ऑफ एल एन जेड। अब मैं डेल डेल टी ऑफ एल एन जेड का डिफरेंशियल करती हूँ, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखती हूँ, यानी na kbt स्क्वायर एज इट इज रखा। अब इसका डिफरेंशियल करूंगी तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि डेल टू डेल टी स्क्वायर एल एन जेड हो जाएगा। तो मुझे स्पेसिफिक हीट का मान मिल जाता है na kbt 2 डेल डेल टी ऑफ एल एन जेड प्लस टी डेल डेल टी स्क्वायर एल एन जेड। अब हम देखते हैं गैस का दाब। दाब मुझे अच्छे से मालूम है, मैं फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन के टर्म्स में। और ये मान लिखा जा रहा है कि आपके पास ये मान हो जाता है कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का डिफरेंशियल वॉल्यूम के साथ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। तो जब मैं ये काम करती हूँ तो मुझे
ये दिख रहा है कि अब ये मानना कैसे लग दिया मैंने कि फोर्स पर यूनिट एरिया मेरे पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन का वॉल्यूम के साथ डिफरेंशियल कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर माइनस साइन के साथ कैसे हुआ। तो अगर मैं इसको देखूं तो एफ का मान है मेरे पास ई बार माइनस टी एस के बराबर। अब मैं इसको वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेशन करती हूँ टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हुए, तो ये डेल ई बार डेल वी बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस डेल डेस डेल एस डेल वी एट टी, और टी डी एस मुझे अच्छे से मालूम है डेल क्यू हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा क्योंकि एंट्रोपी की जो डेफिनेशन है मेरी, वो एंट्रोपी की डेफिनेशन मेरी कहती है कि जो एस का मान होता है वो होता है आपके पास डेल क्यू डेल टी डेल्टा क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से डेल्टा क्यू अपॉन टी जब मैं रखती हूँ तो जो टी डी एस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये डी एस है क्योंकि अल्प के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो टी डी एस का मान डेल्टा क्यू के बराबर होता है बाय डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। डेल एस का मान डेल क्यू अपॉन टी के बराबर है ये, इसलिए मैंने यहाँ टी डी एस को डेल्टा क्यू रख दिया। तो ये डेल एस डेल वी डेल टी बन गया टी को अंदर रहते ही माइनस डेल क्यू डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और ये मुझे अच्छे से मालूम है कि अभी भी मैंने देखा था कि डेल क्यू का मान डी बार प्लस डेल्टा डब्ल्यू है, और चूंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है मेरे पास तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन मेरे पास आ जाएगी वो मान हो जाएगा, एक डिफरेंशियल तो आएगा डी ई डी वी वाला और दूसरा आएगा डेल डब्ल्यू डेल वी वाला। और डब्ल्यू हम जानते हैं कि अगर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य ऊर्जा के बराबर है, और ऊर्जा को मैं रखती हूँ आपके पास ऊर्जा को जो मैं रखती हूँ वो हो जाएगा आप कार्य के रूप में। तो यहाँ पर कार्य के रूप में जब मैं इसको रखती हूँ, और कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, तो यहाँ पर बल इंटू विस्थापन होता है, तो यहाँ पर अगर मैं उस समय से चलती हूँ तो डेल ई डेल वी तो कट जाएगा और मुझे मिल जाएगा डेल डब्ल्यू डेल वी, और जब मैं डेल डब्ल्यू डेल वी निकालती हूँ तो ये मान बन जाता है मेरे पास पुनः आपके पास डेल एफ डेल वी के बराबर। अब ये बन जाता है एफ अपॉन ए के बराबर। एफ अपॉन ए क्यों बनेगा? क्योंकि आपके पास जो डेल्टा डब्ल्यू है वो ऊर्जा है, किया गया कार्य है, किया गया कार्य ऊर्जा में बदलता है, और ऊर्जा को जब हम देखते हैं तो ऊर्जा को मैं लिख सकती हूँ, किया गया कार्य को मैं लिख सकती हूँ एफ डे डेल्टा एक्स के रूप में। तो एफ डेल्टा एक्स का जब मैं डिफरेंशियल करूंगी वी के साथ तो ये बन जाएगा एफ तो एज इट इज रहेगा लेकिन डेल एक्स अपॉन डेल वी मुझे एरिया दे देगा, इसलिए एफ अपॉन ए यानी प्रेशर आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं प्रेशर को एफ अपॉन ए जो मैं लिखती हूँ उसको मैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक फंक्शन में प्रेशर को माइनस डेल एफ डेल वी टी के साथ व्यक्त कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये निकाल लिया है। अब मैं इसका डिफरेंशियल करती हूँ तो एक मोल के लिए मान, चूंकि एफ का मान मैं निकाल चुकी थी इसलिए एक मोल के लिए जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का मान मुझे मिल जाता है रखने पर प्रेशर का, तो गैस के प्रेशर का मान मुझे मिलता है एन ए के बी टी डेल डेल वी ऑफ एल एन जी जेड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब अगली बार हम देखेंगे कि हम किस तरह से निकालेंगे एक नया फंक्शन, और वो है रासायनिक पोटेंशियल रासायनिक विभव, जो कि आपके लिए नई टर्म है। हम पहले उसको डिफाइन करेंगे विभिन्न टर्म्स में और फिर हम देखेंगे कि रासायनिक पोटेंशियल का मान मैं कैसे निकाल सकती हूँ पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में, और फिर हम देखेंगे आदर्श गैस के लिए हम गैस की माध्य ऊर्जा गैस का पार्टीशन फंक्शन और गैस के लिए प्रेशर का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।